आसीन नगर पालिका क्षेत्र में 70 वर्षों बाद जलझूलनी एकादशी पर्व पर सभी 13 मंदिरों के बेवाण अपनी स्थायी जगह पर विश्राम करेंगे। पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू ने बताया कि मंदिरों के पुजारियों द्वारा जलझूलनी एकादशी भगवान के ठहराव हेतु जगह की मांग की गई, जिस पर पालिका द्वारा नए बस स्टैंड पर लगभग 3,500 वर्ग फीट पर टिन शेड लगाकर जगह निर्मित करवाई एवं आसपास के क्षेत्र में हरियाली हेतु 30 पौधे लगवाए, बैठने हेतु 10 सीमेंट की कुर्सी, पीने के पानी के लिए पानी की टंकी रखवाई और सुरक्षा दृष्टि से चारों ओर लोहे की का निर्माण करवाया गया। के अवसर पर हमारे आसीन नगर क्षेत्र के सभी प्रमुख मंदिरों के पुजारियों की हमारे आसीन क्षेत्र की लगभग 70 साल से मांग थी कि हमारे ठाकुर जी के बेवान जो नगर भ्रमण पर निकलते हैं उनको हमें भजन कीर्तन और ठाकुर जी को कुछ समय वहाँ ठहराने के लिए हमारे निजी जगह, हमारे संस्थान की निजी जगह नहीं है, हम कभी PWD चौराहा, कभी कृषि मंडी, इस तरह हम भटकते हैं तो हमारे को परेशानी आती है, टोका टोकी भी होती है। तो हमने आसीन नगर के प्रमुख सभी पुजारियों और क्षेत्रवासियों की मांग पर जलझूलनी ग्यारस के अवसर पर लगभग आसीन बस स्टैंड स्थित 3,500 स्क्वायर फीट का हमने टिन शेड का तुरंत ही निर्माण करवाया, पक्का फर्श करवाया और 10 ब्रेंचे हमने वहाँ रखवाई जन सुविधा के लिए, और यहाँ तुरंत ही हमने 30 से अधिक पौधे लगवाए और चारों तरफ लगभग 6,000 स्क्वायर फीट के प्लाट एरिया में इनमें रेलिंग लगा के दी ताकि इनकी साफ सफाई व्यवस्था बनी रहे। और यहाँ लगभग 13 मंदिरों के प्रमुख बेवान ठाकुर जी के यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं, लगभग 1200 से 1300 भक्तगण यहाँ इकट्ठे होते हैं। उन सब की सुविधा के मद्देनज़र जन उपयोगी भक्तगणों के लिए हमने ये शेड तैयार करवाया। इसके लिए मैं हमारे सभी नगर पालिका के पार्षदगण, स्टाफगण सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आशा है इसका जन उपयोग और धार्मिक उपयोग में सदुपयोग होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।